और इस वक्त की एक और अहम खबर, वॉर जोन में यूक्रेन की MI-24 हेलीकॉप्टर का कहर देखने को मिला है। यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने रूसी ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन को चेक गणराज्य से मिला है MI-24। और वहीं डोनेस्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन के मोटराइज्ड ब्रिगेड का जबरदस्त हमला हुआ है। यहां पर जेवलिन हमले में रूस का आर्म्ड व्हीकल कैसे तबाह हो गया, ये देखिए। और वहीं यूक्रेन पर रूस का सबसे विध्वंसक हमला हुआ है। 24 घंटे में रूस ने ताबड़तोड़ अटैक्स को अंजाम दिया है। यूक्रेन के 9 इलाकों को बनाया गया निशाना। ये 9 इलाके कौन कौन से हैं, ये भी आपको बता दें। सुमी, ज़ेपोरिजिया, खार्किव, कुपियांस्क में भीषण हमला हुआ है। लुहांस्क और डोनेस्क के साथ साथ माइकोलेव और खेरसोन को भी दहलाने की गई है कोशिश। तो देखिए, रूस का ये जो विध्वंसक अटैक है, इससे जुड़ी एक एक डिटेल हम आपको दे दें, क्योंकि ज़ेपोरिजिया को भी निशाना बनाया गया है। कहां कहां पर अटैक हुए हैं, ये अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ज़ेपोरिजिया जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, वहां पर 66 अटैक हुए हैं। एक के बाद एक हमलों से दहल गया है ज़ेपोरिजिया। खेरसोन में 56 हमले हुए हैं, इसके अलावा चेर्निहिव में 3 हमले हुए हैं। सूमी में आप देखिए, एक के बाद एक 118 अटैक्स को अंजाम दिया है यहां पर रूसी फोर्सेस ने। लुहांस्क, खार्किव, कुपियांस्क में भी जोरदार हमले हुए हैं। इसके अलावा माइकोलेव को भी निशाना बनाया गया है, यानी जो इंटेंसिटी है हमले की, उसमें इजाफा किया गया है रशिया की तरफ से। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि इतने जोरदार हमले एक साथ इससे पहले कभी नहीं हुए थे पिछले एक साल से ज्यादा वक्त में, जितने अब रूस की तरफ से हो रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर किस वेपन से किया है हमला। जी हां, 24 घंटे तक यूक्रेन दहलता रहा। मिसाइल, आर्टिलरी, MLRS और ड्रोन के जरिए इन ताजा हमलों को अंजाम दिया गया है। बमबारी लगातार हो रही है। फाइटर जेट्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, BM-21 का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन हमलों में 24 घंटे तक यूक्रेन के तमाम शहरों को एक साथ दहलाने की जो कोशिश की गई थी, जो प्लान बनाया गया था रूस की तरफ से, वो प्लान एग्जीक्यूट किया गया है। और 24 घंटे तक इन तमाम शहरों में जोरदार ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं।